ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద అయితే శరద్ పవర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా ఇచ్చింది भारतीय जनता पार्टी है और इसे और हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. अभी चाहे वो मेहनत करेंगे, चाहे इसकी कीमत देंगे, मगर प्रजातंत्र पर हमला करने वाली ये सब शक्ति हम दूर करेंगे. ये दूर करने के लिए हम एक रहेंगे. इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ. जय हिंद. मुझे लगता है अच्छा क्या एक एक आप चाहते हैं राहुल जी से बात करनी चाहिए. आप सबके तरफ से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ यहाँ आइए, लोगों के सामने बात करिए. जो सरकार निकम्मी है, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता खारगे जी, शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. दिल से आपका स्वागत करता हूं. कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दो तीन युवा जंप करके अंदर आ गए. जंप करते हुए हम सब ने देखा. अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया. बीजेपी के सांसद सब भाग लिए, वो अलग बात है. जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी. वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से. खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है. अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए. अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे. दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है. उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी. देश में भयंकर बेरोजगारी. इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है. मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं
ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर। जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है, नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया, यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया, अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है, आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है, यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे, आप अग्निवीर योजना लाए। हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप
मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो? आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे दो तीन लोगों को दे सकते हो? आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और आपसे अनुरोध है ताली बजा के अपने बोर्ड ऊपर उठा के झंडे हिला के खड़गे साहब का स्वागत कीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, जो सरकार निकम्मी है, हर जोर जुलम की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आदरणीय खड़गे साहब, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर थोड़ा पहले शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, बी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूँ, मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं इतना ही कहूँगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला, कोई कुछ नहीं बोला। हमारे रामगोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया।
धरना किया, तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब उठता था सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए, तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे एक तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सॉरी सभी एमपी को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। तीन क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए, तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दोहरा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर, अरे कितने डराते हो। अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बींज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको, हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं। और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं
अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है। इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत ही दिल की गहराइयों से खड़गे साहब का धन्यवाद। हमारे बीच में आरएसपी के जनरल सेक्रेटरी मनोज भट्टाचार्य जी भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनको बोलने का मौका देना था। मैं क्षमा चाहते हुए उनका दिल की गहराइयों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं। इनका काम देश तोड़ने का है, समाज बांटने का है, हमारा काम जोड़ने का है। उस जोड़ने की कड़ी में अब हम राष्ट्रगान के नाते अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है उसको समर्पित करते हैं। अब सभी शांति से राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा राष्ट्रगान के लिए। सभी लोग जो है वो खड़े होकर राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे शांति के साथ। सब अपनी अपनी जगह खड़े होइए और हम राष्ट्रगान शुरू करेंगे। सभा कक्ष सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। రైట్ ఇక బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ వద్ద ఇండియా కూటమి నేతలు ధర్నా చేపట్టారు. పార్లమెంట్ లో విపక్ష ఎంపీల సస్పెన్షన్ కు నిరసనగా ధర్నా చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇండియా కూటమి నేతృత్వంలో నిరసనలు చేస్తున్నారు. మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడతారా? Gracias.